हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है हिमांशु गंगस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस सी ट्रेड्स। गाइस, ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैक्स पेन क्या होता है, आज की वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज मैक्स पेन इन ऑप्शंस ट्रेडिंग और क्या ये मैक्स पेन एक्चुअली वर्क करता है। सोचिए आप एक मार्केट मेकर या एक बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। मैक्स पेन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये खिलाड़ी स्टॉक प्राइजेस को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं जिससे ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे ज्यादा पेन क्रिएट हो। इन अदर वर्ड्स, उनका टारगेट होता है कि वो स्टॉक प्राइसेस को उस पॉइंट तक ले जाएं जहां पर मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरेशन के टाइम पर आउट ऑफ द मनी होते हैं। मैक्स पेन के पीछे की सोच ये है कि मोस्टली ऑप्शन ट्रेडर्स का नुकसान होता है, तो अगर ये ट्रेडर्स आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को होल्ड कर रहे हैं तो ये थ्योरी कहती है कि मार्केट मेकर्स स्टॉक प्राइस को पेन पॉइंट की तरफ ढकेलते हैं, मतलब वो प्राइस जहां पर इन ऑप्शंस की सबसे ज्यादा वैल्यू खत्म हो जाती है। यहां तक तो सब समझ में आया, लेकिन ये जानना काफी क्रूशियल है कि क्या ये मैक्स पेन थ्योरी सच में काम करती है या फिर ये सिर्फ एक ट्रेडिंग मिथ है। मार्केट डायनामिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और स्टॉक प्राइसेस को सिर्फ मार्केट मेकर्स नहीं, कई तरह के फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कल अगस्त का लास्ट थर्सडे था और निफ्टी एंड स्टॉक्स दोनों की ही एक्सपायरी थी, तो हम एक इंडेक्स मतलब निफ्टी एंड एक स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैक्स पेन को एक्सपायरी से रिलेट करके एनालाइज करेंगे। निफ्टी में आप देख सकते हो सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पर ऑप्शन चेन में मैक्स पेन है 19,250 और चार्ट पर जाकर अगर हम देखें तो चार्ट पे आप देख सकते हो कि निफ्टी में एक्सपायरी हुई है 19,253, मतलब 19,250 के पास। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द ऑप्शन बायर्स को निफ्टी के इस प्राइस पर एक्सपायरी देने की वजह से लॉस हुआ है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैक्स पेन ने अपना काम कर दिया है ऑप्शन बायर्स को मैक्सिमम पेन देकर। इससे हमें ये समझ में आया कि मैक्स पेन वो प्राइस पॉइंट है जिसके पास एक्सपायरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की ऑप्शन चेन को। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स पेन 1520 पे है। अब चार्ट चेक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगस्त एक्सपायरी हुई है 1575 के पास और मैक्स पेन है 1520 पे, मतलब मैक्स पेन से 55 पॉइंट्स ऊपर या कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.5% ऊपर। तो गाइस, इस एग्जांपल में मैक्स पेन का एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं है, एक्सपायरी मैक्स पेन से काफी दूर हुई है। अब या तो मैक्स पेन वर्क नहीं करता या फिर एक एक्सेप्शनल केस बन गया है, क्योंकि हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में शॉर्ट पोजिशन ली हुई है और ये बात मार्केट मेकर्स एंड इंस्टीट्यूशन को पता चल गई है, इसलिए वो प्राइस को अलग ही तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि मार्केट मेकर्स और इंस्टीट्यूशंस प्राइस को एक हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन ये बात डिबेटेबल है कि ये लोग कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली प्राइस को मैक्स पेन के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। मार्केट डायनामिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और स्टॉक प्राइसेस को मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड से लेकर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स तक इंपैक्ट करते हैं। हर प्राइस मूवमेंट को सिर्फ मैक्स पेन के अकॉर्डिंग नहीं देखा जा सकता। तो क्या मैक्स पेन सच में ऑप्शंस ट्रेडिंग में वर्क करता है? ये थ्योरी वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग है और इस पर डिस्कस करने में मजा आता है, लेकिन ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिंग एक कॉम्प्लेक्स और बहुत पहलू वाला गेम है। स्टॉक प्राइसेस को कई तरह के फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और हर प्राइस मूवमेंट को मैक्स पेन के साथ रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गाइस, आई होप मैक्स पेन की थ्योरी को अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ऑलवेज रिमेंबर, लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हमारी फ्री यूट्यूब वीडियो से जितना पॉसिबल हो उतना सीखिए एंड इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजंस लीजिए। एंड प्रो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल कॉन्टेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।